झाबुआ जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यकर्ता सहायिका को लेकर आरोप है कि संबंधित अधिकारी कर्मचारियों द्वारा साठ गांठ कर नियुक्तियां की गई है जो अवैध है। पप्पू बड़खिया ग्राम नरवालिया डामोर ग्राम मकान कुई द्वारा शिकायत दी गई कि साठ गांठ कर संबंधित विभागीय अधिकारी कर्मचारी द्वारा अयोग्य को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर साठ गांठ कर नियुक्ति दी गई है, जिसके संबंध में यथा समय संबंधित अधिकारी गण को शिकायत दी गई, परंतु जिले स्तर पर उक्त शिकायत की जांच को लेकर कोई जिम्मेदार अधिकारी रुचि लेता नजर नहीं आ रहा है। एकीकृत महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी मीरा गाडरे द्वारा नियुक्ति के संबंधित में आपत्तियों के निराकरण को लेकर कोई जानकारी नहीं होना बताया गया। परियोजना अधिकारी के द्वारा उक्त संबंध में जिले स्तर पर जानकारी मिल पाएगी ऐसा करते हुए बात को टालना चाहा, जबकि उक्त संबंध में विगत माह में बैठक ली गई थी जिसमें परियोजना अधिकारी स्वयं उपस्थित थी। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। क्या मामला है आपका? सर मैंने मैं ग्राम पंचायत नरवालिया से हूँ और हमने मेरी पत्नी के लिए सहायिका के लिए आवेदित किया था आंगनवाड़ी सहायिका के लिए। उस समय ये मीरा गाडरे के पास हमने आवेदन दिया था, उस समय हमारे पास से उस पैसों की मांग करी थी लेकिन हम वो 1,00,000 रुपये नहीं दे पाए थे, इसलिए उन्होंने फर्जी दस्तावेज जिन लोगों ने लगाए हैं उन लोगों के उन्होंने चयनित कर दिए हैं। सर क्या आपसे जो मांग की गई उस संबंध में आपने किसी वरिष्ठ को शिकायत दी क्या? सर मैंने ये जिला महिला बाल विकास को भी इसकी जानकारी लिखित में दे दी है सर, दो दो बार हमारे बयान हो चुके हैं, मीडिया को भी इसके लिए मैंने जागृत किया था सर, मीडिया वालों ने भी शायद पत्रिका में भी छापा था और अपने पर्सनल जो आईडी रहती है उस पर भी मीडिया वालों ने लगाया था, लेकिन आज तक हमें यूँ मालूम नहीं पड़ा कि सर उसकी जांच कौन कर रहा है। सर अच्छा इसकी कुछ सूचना उतना मिली थी जिस दिन मीटिंग रखी गई थी यहाँ? सर पहले मीटिंग एक बार पहले हमको आदेश मिला था, उस समय वो मीटिंग किसी कारणवश खारिज कर दी गई थी। अच्छा। और अभी जो पिछली 21 तारीख को मीटिंग रखी गई थी उसके लिए हमको सूचित नहीं किया था, बल्कि हमको खाली ऐसा फ़ोन पे सूचित किया गया था, उस समय हम घर पे नहीं थे, हमने उनको बोला था कि हम समय पे नहीं पहुंच पाएंगे, आप हमको लिखित में कोई जानकारी देना हो तो लिखित में दो या आदेश दो तो हम उसमें उपस्थित हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने उसको जारी रखते हुए वो मीटिंग ली गई, लेकिन उस मीटिंग के उसी दिन हमने 2 बजे के पहले हमने यहाँ पे अपने जिला महिला बाल विकास जिला पंचायत सीओ और 2-3 जगह हमने इसका आवेदन कर दिया था कि हमको कोई लिखित जानकारी दे और अगली जानकारी के लिए हमको कोई नई तारीख दे, इसके लिए मैंने मांग करी थी सर, लेकिन उसको ध्यान में न रखते हुए उन्होंने फिर भी वो मीटिंग ली और उस समय जो आवेदक और जो आपत्तिकर्ता थे उनके साइन अंदर ले जाकर दे लिए गए और खाली कागज में वो भाई उनके जो हस्ताक्षर लिए गए। उसके बाद अभी न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चला है कि जो अपने जिला जो प्रभारी अभी है उन्होंने न्यूज़ में दिया गया कि उसका निराकरण हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुल मिला के हमें अंदेशा है कि इसमें साठ गांठ की गई है सर। अच्छा आपके पास फर्जी दस्तावेज के संबंध में कुछ ठोस सबूत है, क्या प्रमाण है? सर जहाँ तक हमारे जो नरवालिया ग्राम पंचायत में जिसने आवेदन किया था जिस महिला ने उसका फर्जी दस्तावेज मेरे पास लिखित में भी और कागजी दस्तावेज भी है मेरे पास सर, फिर भी मैंने इसका जिक्र किया था और इसका आवेदन भी मैंने जिला पंचायत सीओ और जिला कार्यक्रम अधिकारी यहाँ पर मैंने दे दिया था, लेकिन आज तक उसका कोई जांच का हमें कुछ जानकारी नहीं है सर। मतलब आपने जो शिकायत की उसकी कोई आज तक संबंधित वरिष्ठ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई? कोई कार्रवाई नहीं की गई सर। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं यूँ चाहता हूँ कि सर ऐसे तो आज तो हम इतने समझदार हैं क्योंकि ऐसे जिले में ऐसे कई हमारे आदिवासी लोग हैं सर कि उनका भी कई प्रकार से फर्जीवाड़ा किया गया होगा, मेरे को 100% विश्वास है सर कि यहाँ पर इस 2020 की नियुक्ति में भी फर्जीवाड़ा 100% किया गया है। उसके तहत मैंने RTI के तहत मेरे पूरे जो 2020 की जो नियुक्तियाँ हैं उसमें मैंने RTI के तहत पूरे दस्तावेज मांगे हैं, लेकिन घबराहट में साठ गांठ
उन्होंने कर ली है, इस कारण वो अपने वरीयता सूची और दस्तावेजों में संशोधन की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने जो आवेदन किया है RTI के तहत, मुझे मेरे दस्तावेज जल्द से जल्द प्रदान करने की कृपा करे प्रशासन, नहीं तो उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है और वो जो दस्तावेज फर्जी दस्तावेज है उनको हटाने की कोशिश की जा रही है सर। तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए अभी आपत्ति सिद्ध तो पाई नहीं गई है, लेकिन जिला स्तर कमेटी निर्णय लेगी, उसी के आधार पर कार्यवाही होगी। आपत्ति का निराकरण हो चुका? हाँ, आपत्ति का निराकरण हो। कब हुआ? ये पिछली वाली बैठक में हुआ, अभी कुछ टाइपिंग मिस्टेक त्रुटि थी लिखने में, तो उसको सुधार कर बचा देंगे। उसमें एक आपत्तिकर्ता शायद झेड़ा से है, उन्होंने उसी दिन बाइट दी थी कि आपत्ति में हमारे को हमारे पक्ष रखने का कोई स्वतंत्र समय नहीं दिया, मतलब हमसे ना कोई डॉक्यूमेंट देखे ना हमसे कोई सवाल जवाब किया। इस संबंध में आपका क्या कहना? आपत्तिकर्ता को बुलाया गया था उस दिन, क्योंकि निर्देश में है नहीं, लेकिन पूर्व से बुला रहे थे तो उस दिन बुलाया था, तो इसको सुना भी हमने, तो डॉक्यूमेंट सिखाता है। आपत्ति में उनको बुलाने का पर्पस क्या होता है? आपत्ति में बुलाने का ये है कि उनकी क्या आपत्ति लगाए और इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं। सर मेरा नाम भारू डामर। कौन से गांव से हो? सर मैं माखन से। तो क्या शिकायत क्या लेके आए थे आप? सर मैं ये शिकायत लेके आया कि मेरे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए मैंने मेरी बहू का आवेदन दिया था, उसमें कुछ मोजी पाड़ा की लड़की है वहीं निवास कर रही, उनका मुक्ति किया गया है, तो उसकी सर मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी अच्छे से अच्छे इसकी जांच किया जाए। मतलब किस चीज़ की जांच चाहते हो आप? तो इसमें सर इसमें है कि ये मोजी पाड़ा में निवास कर रही है, उसमें नामावली में नाम मैंने वहीं से नामावली निकाली तो उसका नाम वहीं दर्द है, अभी निवास कर रही है वहाँ पे, 2020 में वहीं रह रही है सर, निवास कर रही, और ये गलत तरीके से माखन कुई में कैसे उसकी नियुक्ति कर दिया गया, तो उसकी जांच किया सर। जांच किया जाए, आपके पास सबूत क्या है? आपने क्या कुछ सर, सबूत निकलवाए होंगे, कहीं से लिए होंगे आपने? हाँ सर, मैंने ये सबूत निकलवाया कि मैं नगर पालिका में जाके उसकी नामावली मैंने निकाली है कि मोजे पाड़ा में अभी निवास कर रही, तो वही सबूत लेके मैं ये आपत्ति लगा रहा सर। आपत्तिकर्ताओं का आरोप है सर कि हमको किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई, इस संबंध में आपका क्या कहना? जहाँ तक मेरी जानकारी है पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ है, पर अभी ये नई इन्फॉर्मेशन आप लोग मेरे को दे रहे हैं इसकी मैं पुष्टि करा लूँ, उसी के बाद कुछ कह पाएंगे। अभी हमने संबंधित अधिकारी से भी इस संबंध में जानकारी चाही, तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना कि हमने फ़ोन पर सूचना दी गई थी। क्या फ़ोन पर सूचना देना वैधानिक है? मैं एक बार देख लेता हूँ कि उन्होंने क्या प्रोसेस फॉलो करा है, जो भी सूचना दी गई है उसकी यहाँ पर एक पुष्टि रहती है, उनसे पूछ लेता हूँ पुष्टि है नहीं हमारे पास। जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी चौहान साहब का कहना है कि CO साहब ने इस संबंध में बैठक ली और आदेश भी हो चुका है, लिपिक त्रुटि की वजह से अभी आदेश रुके हुए हैं। अब मैं एक बार दिखा लेता हूँ इसमें क्या इश्यूज वगैरह, सूचना मिली नहीं मिली उसकी रिसीप्ट है नहीं है, उसी के बाद इस पर कमेंट कर पाऊंगा। सर जी अगर मान लीजिए फर्जी दस्तावेज पाए गए तो उस संबंध में आप संबंधित के विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे? फर्जी दस्तावेज होते हैं तो वो फॉर्जरी के उसमें आता है, तो उसके अगेंस्ट तो FIR भी होती है और विभागीय जांच भी उसकी चलेगी, अगर किसी ने फर्जी दस्तावेज करे हैं तो, बट ये आफ्टर इंक्वायरी पर चलेगा कि दस्तावेज फर्जी थे नहीं। CDPO का कहना है कि जो भी ये जानकारी आपको लेना वो CO साहब से ले, जिले स्तर पर ले, हमको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं। ऐसा नहीं होता है, ये आप मेरे को बता रहे हैं CDPO ने कहा, मेरे को CDPO से पूछना पड़ेगा कि क्या इशू है ना। उन्होंने बाइट में कहा बाकायदा? ठीक, तो आप मेरे को बाइट की एक बार वीडियो दे दें, मैं एक बार CDPO से चर्चा कर लूँगा क्या इशू। श्रीमान इनका यह भी कहना है कि हमने दस्तावेज मंगाया था जनपद से, BPL APL की सूची, उसके बाद मार्किंग जो भी हुई, तो आपत्तिकर्ताओं का आरोप सीधे सीधे है कि किसी ने दो दस्तावेज लगाए राशन कार्ड, तो वो चूक कैसे हुई? मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया। APL BPL के सर, प्रश्न क्लियर करिए। दोनों राशन कार्ड लगाए, BPL एक APL, तो दोनों लगाए तो CDPO का क्या उत्तरदायित्व था, उनने कैसे इस चीज़ पे गौर नहीं किया? ये दो एक व्यक्ति या तो APL लाइन में होगा या BPL में होगा। मेरा किस सिद्धाई की बात करें, मेरे को पर्टिकुलर नाम उसका आप दे दें लिखित में, मैं एक बार दिखा लेता हूँ कि क्या इशू है उसका। वो गरीबी रेखा से नीचे था या ऊपर था, ये जनपद में भी एक सूची रहती है, वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं।
आपत्ति का निराकरण जिले में जिला कार्य समिति करेगी। समिति करेगी, समिति के अध्यक्ष कौन है? वो जिले में ही आप पता कर लीजिए। नहीं, आरोप ये है कि बैठक बुलाई गई थी पर उनको उनका पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। वो जिला कार्यालय बताएंगे। जिला कार्यालय कौन? जिला कार्यालय की समिति। बैठक में मैं गई थी लेकिन वहाँ तो जिला कार्यक्रम अधिकारी आपको जवाब देंगे। चौहान साहब जो प्रभारी अधिकारी है वर्तमान में, उनका कहना है कि जो भी दस्तावेज दिया गया उनके आधार पर हमने अंक दे दिए गए, तो आप ये बताइए कि आपत्ति लेने का मतलब क्या होता है? अब ये तो आपत्ति का निराकरण करने वाली समिति जाने बोले। नहीं, जब आपत्ति में चला जाता है तो वो तो जिला समिति ही बताएगी। हितधारकों को सूचना आपके द्वारा दी गई थी? हाँ, दी गई। कितने समय पहले दी गई थी? कितने समय पहले दी माया? 20 को हमको प्राप्त हुआ, 20 को ही दे दी। फोन से दे दी, आजकल फोन ज्यादा है, आपको फोन से सूचना दे दी थी और पेपर दिए गए पर हमसे इनकार कर रहे थे वो लोग, हम नहीं लेंगे। इसमें जैसे फर्जी दस्तावेज है, मान लीजिए कि सिद्ध पाया गया तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? जी, फर्जी दस्तावेज है, अंक सूची मान लीजिए कि राशन कार्ड सिद्ध पाया गया, तो ऐसे में आप संबंधित के विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे? उसके लिए उचित कार्रवाई करेंगे। कौन करेगा? जिला समिति जो भी बताएंगे। आपत्तिकर्ताओं को आरोप है कि हमारे जो भी दस्तावेज है, हमने जिस चीज़ पे आपत्ति ली उनको भी संशोधन किया जा रहा गलत तरीके से। ये तो जिला कार्यालय समिति निर्णय लेगी और जो भी हुआ आपत्तिकर्ता वही जिले में ही होगा ना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।